को दिखाते, देखिए जो हम बता रहे हैं दुकान का नाम क्या था। दुकान का नाम था खुशी जूस और शेक्स। ये दुकान थी आमिर की, लेकिन नाम रखा गया खुशी जूस और शेक्स, यानी यहां पर नाम भी बदल दिया गया। जो बात आपको याद होगा कि ये कहा जाता है कि दुकान में कौन काम करता है, जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा हो रही थी तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नाम लिख दीजिए आप, क्योंकि इससे क्लैरिटी रहती, पारदर्शिता रहती। तब बड़ा सवाल पूछा गया था, ये उन्हीं लोगों को जवाब है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां झूठा नाम लिखा गया है कि यहां पर देखिए खुशी करके ये बेचा जा रहा था। और चलिए चार तस्वीरें अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं। चार तस्वीरें गाजियाबाद में कैसे ये यूरिन जिहाद किया गया है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नाम कुछ और, दुकान चलाने वाला कोई और परोसा क्या, ये तो हमने आपको बता ही दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, कंटेनर में यूरिन बरामद हुई, यानी स्टोर करके इसे रखा जाता था यूरिन को कंटेनर में, और जब ग्राहक आते थे तो उन्हें पानी लोग मिलाते हैं अमूमन जूस में, ऐसा कहते हैं कि पैसों को बनाने के लिए कम फल इस्तेमाल हो, जूस ज़्यादा निकले, उसमें पानी मिला के नमक मिला के देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मिलाया जा रहा था। और जब आमना सामना हुआ, कन्फ्रंट किया ग्राहक ने, तो आमिर के होश फाख्ता हो गए और उसके बाद जांच की गई। और देखिए तीसरी तस्वीर में देखिए जूस में किस तरह से यूरिन मिलाई जा रही थी वो तस्वीर, और आरोपी आमिर की फिर जमकर धुनाई भी हुई है, क्योंकि लोगों का विश्वास यहाँ पर तोड़ा गया, अपवित्र कर दिया गया, उस चीज़ को धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, तो उसका खामियाजा आमिर को भुगतना पड़ रहा है। अब जाँच के दायरे में भी आमिर आ चुका है, लेकिन लोगों में कितना आक्रोश है, लोग कितने हैरान हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, सुनिए जरा। एक हिंदू नाम से दुकान था, खुशी नाम से दुकान था, सबको पता था किसी हिंदू का दुकान है, व्रत वाले भी जाते थे, पूजा पाठ वाले भी जाते थे, पैक भी करवाते थे, ऐसी बात नहीं, सारे जाते थे। लेकिन एक दिन पीने के बाद किसी बच्चे को डाउट हुआ, जब उसने ये कहा कि इसमें कुछ अजीब से वो लग रहा, तो उसके फादर ने इसमें जो है देखने के लिए, क्योंकि काउंटर इतना ऊंचा था दिखता नहीं कि इसमें डाला क्या नहीं, बोतल तरह तरह के खड़े होते थे, लेकिन जब वो अंदर घुस गया तो उसमें एक यूरिन का भरा बोतल था। जब और पब्लिक ने उसे पीट पाट करा, तब उसने कह दिया कि भाई साहब मैं तो जो है इसमें जो है 20-25 ग्राम मैं मिक्स करता था इसमें। इससे टेस्ट बनता है, मतलब जो है 20 ग्राम डालने से, मतलब जो है ये तो पुलिस से कहा है उसने, मतलब जो है जब पकड़ा गया पुलिस आई, जब वो गया और कैन गली है पूरी, मतलब जो उसमें जिहादी मानसिकता है, इन्हें यही सिखाया जा रहा है छोटे से कि भाई हमें ना हिंदुओं के खिलाफ पहले ही भड़काया जाता है इन्हें, भाई ये काफिर है, या मैंने जहाँ भी नाम आता है इनका ही नाम आता है और किसी का नाम नहीं आता। ये लोग सिर्फ जूस की दुकान पे नहीं है, ये बाजार में चले जाओ, सब्जी की दुकान पे चले जाओ, जहाँ भी अपना ठिया लगा रहे हैं सिर्फ हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमेशा हिंदुओं को टारगेट करा जाता है, ये मैसेज देते हैं हमेशा कि इनको कैसे भटकाए। भाई ये जिहादी मानसिकता है एक नंबर की, सिर्फ हमेशा यही कहा जाता है कि तुम हिंदुओं के साथ ही ऐसा करो, हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। हम इसलिए योगी जी का समर्थन करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि हर दुकान का उसका पर्चा होना चाहिए उसके नाम का, ये बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ जयचंद और दोगले हिंदुओं में ही होते हैं जो समर्थन करते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि एक बोतल भी थी, और बताया कि पकड़ा गया, ये यूरिन करता हुआ पकड़ा भी गया है। जैसे एक ज्यादा मानसिकता का नतीजा है, ये प्री प्लान है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि अभी चार दुकानें हम लोगों ने स्थानीय लोगों के रोष के कारण चार दुकानें आज इसी नाम से हैं वे बंद हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी बना ली इन लोगों ने कि भाई हिंदू को कमज़ोर करना है, धर्म को कमज़ोर करना है। इनकी मानसिकता ये है कि भाई हिंदुओं का धर्म कैसे भ्रष्ट किया जाए, जहाँ हिंदुओं की मार्केट होगी वहाँ जानबूझ के दुकान लेते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, नाम हिंदू का रखेंगे। 20 दिन से पी रहा था लगातार रेगुलर, मैं बीमार हो रहा था, लेकिन कल जैसे सुना मेरे जब से लेके बहुत ईमान थोड़ा सा ऐसा। अपनी वाइफ के लिए जूस लेके गए? बहुत बार लेके गए घर परिवार के लिए, ले जाते हैं, जाहिर सी बात है पड़ोस में जूस की दुकान है, सभी लेके जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा पता है ये इसमें बाथरूम मिला रहे हैं। बहुत जिहादी सोच है इन लोगों की, मतलब जो ये अपना नाम लिखे हैं इसमें, मतलब चाहे हिंदू एरिया में खोलें चाहे कहीं भी खोलें। ऐसी मानसिकता के लोगों को संविधान के दायरे में रहकर दंड मिलना चाहिए, इसकी साथ पुष्टि याद रखें। तो सुना आपने, लोगों को लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के लिए खास तौर से किया जा रहा है, उन्हें टारगेट करके उन इलाकों में दुकानें हिंदू नामों से खोली जा रही हैं, जिससे कि लोग पहुंचे और इस तरह से ज्यादा मानसिकता अपनी दिखाई जा रही है। आखिर ये नफरती सोच आ कहां से रही है? कभी थूक मिलाकर खाना परोसना, कभी थूक मिलाकर रोटी बनाना, थूक मिलाकर मसाज करना, और अब यूरिन मिलाकर जूस परोसना, है क्या ये कि इतनी घृणा कहां से आती, कहां से ये जिहाद की आंच तेज हो रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हमेशा हिंदुओं को टारगेट करा जाता है, जिहादी मानसिकता है एक नंबर की।
देश में आखिर ये चल क्या रहा है? ये कैसी नफरती सोच है? किसके प्रति इतनी घृणा है? कौन इस जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिहादी साजिश और सोच अपने ट्रैक पर है, और देश में इस जहरीले जिहाद को पनपाने वाले कौन हैं? जिहादी मानसिकता का नतीजा है, ये प्री प्लान है। क्योंकि जिहादी साजिश का शिकार बने शहर नोएडा, सहारनपुर, मेरठ, कन्नौज के बाद गाजियाबाद भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। गाजियाबाद में जूस जिहाद की खबर ने सबको चौकन्ना और हैरान कर दिया है। लोग हैरान परेशान हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई दुकानदार जूस में पेशाब मिलाकर ग्राहकों को कैसे पिला सकता है, क्योंकि मुस्लिम आमिर पर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में हिंदू नाम से जूस की दुकान चलाकर जिहादी साजिश अंजाम देने का आरोप लगा है। कस्टमर्स को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था आमिर, और आमिर की दुकान से पुलिस को यूरिन से भरा एक कंटेनर भी बरामद हुआ है। आमिर और उसका नाबालिग बेटा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देश में चोरी छिपे जिहादी साजिशें अपना काम कर रही हैं। पिछले काफी वक्त से लगातार ऐसी जिहादी हरकतों की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें होटलों के अंदर रोटी जिहाद चल रहा था। रोटी पर थूक कर ग्राहकों को परोसी जा रही थी। होटलों में रोटी पर थूक कांड के वीडियो वायरल हुए तो फिर एक्शन भी तगड़ा हुआ। लेकिन सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही ये जिहादी साजिशें जिंदा नहीं है, बल्कि सैलून शॉप पर भी जिहाद के जहर की तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ और कन्नौज में सैलून शॉप पर थूक मसाज तक की तस्वीरें सामने आई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जहां आरोपी बार बार अपने हाथों पर थूकते और फिर ग्राहक के चेहरे पर उससे मसाज करते दिखाई पड़े थे। जिहादी साजिशों से भरी ये तस्वीरें शर्मनाक और शर्मसार करने वाली हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिहाद का जाल कौन बिछा रहा है? कौन जिहाद की किताब पढ़ाकर जूस में यूरिन, रोटी में थूक और थूक मसाज की तालीम दे रहा है? और इस घिनौने जिहाद की जड़ कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजियाबाद के लोनी इलाके से ही ये मामला सामने आया था। वहां बीजेपी विधायक नंद गुर्जर कह रहे हैं कि ये जो घटना है ये हैरान करने वाली है। सुनिए जरा। सरकार ने कहा था कि सबके ऊपर नाम लिखे जाए, तो आप सबके नाम जानते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और जो नाम लिखे हुए हैं, कहीं आमिर खान, कोई फलाना खान, ये सबकी जो मानसिकता है, जो एक जिहाद चल रहा है, जिम्मेवारी हमारी भी है कि ऐसी किसी दुकान से हम जूस ना लें, दुकान से कोई फल सब्जी ना खरीदें, क्योंकि ये मलमूत्री नहीं है, इसमें जहर भी मिला सकते हैं और भी कुछ इस तरह की चीज़ मिला सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो स्वीट पॉइजन हो सकता है,